उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो सरकार थाली और ताली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बना रही है, ताली और थाली से ही कोरोना का भगा देना। उन्होंने कहा है कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अयोध्या से आए साधु संत और मौलाना सिख समुदाय के लोगों ने आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब एक दिन में नहीं बनी है, इसे बनने में हजारों साल लगे हैं। मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, मेरे घर के अंदर मंदिर है और मेरे घर के बाहर भी मंदिर है, भगवान राम सभी के हैं, पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने आगे कहा है कि योगी सरकार को अयोध्या के किसानों को भी सुननी चाहिए जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित कर ली गई है। उन्होंने आगे कहा है कि अयोध्या में सिर्फ दो दिन दिवाली मनाई जा रही है, अगर हमारी सरकार आई तो अयोध्या में पूरे साल दिवाली मनेगी, हमारी सरकार आई तो अयोध्या में नगर निगम का कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में देश ने बेहद मुश्किल दिन देखे, इतने ख़राब और काले दिन हम लोगों ने कभी नहीं देखे। यूपी सरकार ने इतने झूठे वादे किए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारी बातें अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। साथ ही आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा किया है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.